सॉकेट। सॉकेट्स क्या होते हैं? आप के पास दो सिस्टम, मान लीजिए एक कंट्री में है, ये दूसरी कंट्री में है। अब ये जो सिस्टम है ये आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। यहां पर एक सर्विस चल रही है या कहें एप्लीकेशन चल रहा है, मान लीजिए यहां पर गूगल क्रोम चल रहा है, यहां पर भी गूगल क्रोम चल रहा है। मान लीजिए यहां पर एक FTP क्लाइंट चल रहा है, FTP है, यहां पर भी कोई फाइल ट्रांसफर क्लाइंट चल रहा है या सर्वर चल रहा है। अब ये एक एप्लीकेशन हो गया या अनदर एप्लीकेशन हो गया, ऐसे तमाम एप्लीकेशन यहां चल सकते हैं या सर्विसेज चल सकती हैं। इसके साथ भी ऐसी है, ये भी ये है, ये भी है, और तमाम चल सकती हैं। एक सिस्टम में तमाम एप्लीकेशन आप चला सकते हैं। तो होगा क्या कि हर एक सिस्टम, अगर आप नेटवर्क पे हैं या इंटरनेट पे हैं, तो एक इसका IP होता है, IP एड्रेस। IPv4 की बात करें तो 4 बाइट का एड्रेस होता है। इसका भी एक IP होगा। मान लीजिए कंट्री 1 में है, ये कंट्री 2 में है। यहां से यहां पर कम्युनिकेशन होना है, एक पैकेट तैयार होगा और इसका यहां पर आपका सोर्स IP होगा, डेस्टिनेशन IP होगा। अब यहां से इसको यहां भेज दिया जाएगा। अब ये IP तो पता है, IP पता है, तो ये यहां पर जाएगा और यहां पहुंचेगा। लेकिन जैसे ही यहां पहुंचेगा, अब समस्या उत्पन्न ये हो जाएगी कि IP पे तो आ गया, लेकिन ये जो पैकेट है जो यहां से चला है वो इस सर्विस के लिए है, इस सर्विस के लिए है, किस एप्लीकेशन के लिए है, ये एक समस्या आ जाएगी। तो उसके लिए है सॉकेट्स। सॉकेट्स क्या करता है, जैसे एक और तरीका बताता हूं आपको। मान लीजिए आपने यहां पर, आपका घर है, यहां पर किसी दूसरे कंट्री में किसी घर है, आपने एक लेटर भेजा, लेटर में केवल आपने इस घर का एड्रेस दे दिया, यानी कि IP दे दिया। अब जब ये लेटर पहुंचेगा, यहां पर एक साहब रहते हैं, यहां पर एक साहब रहते हैं, मतलब इस घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये लेटर किसके लिए है, वो तो नाम तो आपने लिखा ही नहीं ना। आपने एड्रेस लिख दिया यानी कि IP तो दे दिया, नाम, इस बंदे का नाम नहीं लिखा। तो नाम जब नहीं लिखा तो उसके लिए सॉकेट्स है। सॉकेट्स में IP तो होता है, IP के साथ आप इस बंदे का नाम यानी कि आप पोर्ट नंबर लिखेंगे, पोर्ट नंबर जो इसका एड्रेस हो गया IP, और साथ में इसका एक्चुअल नाम, तो वो हो गया पोर्ट नंबर। कहने का मतलब कि जितने भी सर्विसेज चलती हैं ये किसी ना किसी एक पोर्ट नंबर पे, सिस्टम पे चलती है। तो ये पोर्ट नंबर जब IP के साथ ये IP पहुंचेगा और ये बताएगा पोर्ट नंबर हमको चाहिए मान लीजिए 21, तो ये सीधा इस पे जाएगा, ना कि इस पे जाएगा, सीधा इस पे चला जाएगा और यहां पर बात होगी कम्युनिकेशन की। तो सॉकेट्स इस तरीके से उपयोग होते हैं, सॉकेट्स ही हैं। बर्कले सॉकेट्स, इसको हम बोलते ही सॉकेट्स हैं, वैसे है वो बर्कले सॉकेट्स। अब यह है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन कैसा है, एब्स्ट्रैक्शन कह लीजिए, API कह लीजिए। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपको किसी को कोई गिफ्ट भेजना है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ गिफ्ट रखते हैं और इसके ऊपर एक कवर डाल देते हैं और भेज देते हैं। तो ये जो कवरिंग है वही ये सॉकेट्स है, ताकि आप डेटा को भेज सकें, डेटा को रिसीव कर सकें। ये एक तरीके का जेनेरिक एक्सेस है, ताकि आप इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कर सके बिटवीन सर्विसेज। जैसे मैंने आपको अलग अलग सर्विसेज बताई, इनके पीछे आपस में आप कम्युनिकेशन कर सके। तो IPX है, SPX है, Apple Talk है, TCP/IP, तो ये सारे जेनेरिक एक्सेस है। जेनेरिक मतलब ये होता है सबके लिए कॉमन रहेगा, इसके लिए कोई स्पेशल नहीं, इसके लिए कोई स्पेशल नहीं, सबके लिए जेनेरिक एक्सेस है। तो ये स्टैंडर्ड API, अगर इसको बताने की कोशिश करें तो हमारे दो एप्लीकेशन है यहाँ पर, इस एप्लीकेशन को इससे एप्लीकेशन से बात करना है तो ये सॉकेट का उपयोग करेगा, ये भी सॉकेट का उपयोग करेगा, जिसमें अगर आप TCP/IP लेना चाहते हैं, TCP/IP लेंगे, चैनल के थ्रू जाएगा, IP राउटर होगा, ये इसको सीधे वहीं भेज देगा। TCP/IP सॉकेट का आपके पास IP भी है, पोर्ट नंबर भी है, ये इसको यहाँ भेज देगा। सॉकेट्स इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, या यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, इसमें एक पोर्ट नंबर होता है, लेकिन उससे जरूरी है IP। ये दोनों हो गए, अब ये तो ठीक है, अब हमको कम्युनिकेशन कैसे करना है यहां से। अगर हमें यहां से ज्यादा कम्युनिकेशन करना है तो हम ये कनेक्शन स्थापित करके करना चाहते हैं, यानी कनेक्शन ओरिएंटेड करना चाहते हैं या कनेक्शन लेस करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या है, एंड टू एंड प्रोटोकॉल, TCP/UDP। TCP दो टाइप के हमारे TCP/IP सॉकेट हो सकते हैं। तो TCP का अलग सॉकेट होता है, UDP का अलग सॉकेट होता है, और अलग अलग में कुछ है नहीं, मैं आपको बताऊंगा क्या उसमें करना पड़ता है। तो स्ट्रीम सॉकेट्स होते हैं जो TCP को यूज करते हैं। स्ट्रीम मतलब बहती हुई धारा, बहती हुई धारा के लिए एक रास्ता जरूर चाहिए आपको। यहां पर आपको प्रोवाइड ये रिलायबल बाइट स्ट्रीम सर्विस मिलता है, मतलब अगर आपका कनेक्शन स्थापित है तो अगर डेटा या पैकेट कुछ मिस भी हो जाते हैं तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, क्योंकि कनेक्शन स्थापित है, इसको रीसेंड आप कर सकते हैं, इसलिए रिलायबिलिटी है।
डेटाग्राम सॉकेट्स की बात करेंगे तो ये आपका यूडीपी है, यूजर डेटाग्राम जो पैकेट्स हैं सर्विस। इसमें कोशिश होती है कि एक जगह से दूसरी जगह बगैर कनेक्शन स्थापित किए पैकेट्स को भेजा जाए बेस्ट एफर्ट में, मतलब कोशिश की जाती है कि सारे पहुंच जाए, नहीं पहुंचता है तो कोई बात नहीं वो मिस हो जाता है। ये वीडियो वगैरह कॉल में इसका उपयोग होता है, अगर आपको कोई फाइल वगैरह भेजनी है तो आप जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह भेजना है तो उसके लिए टीसीपी यूज करते हैं। मैसेज डेटाग्राम में इसका नंबर फिक्स है, मतलब इसकी बाइट फिक्स है। तो एक डिस्क्रिप्टिव टेबल है जिसमें मैंने आपका कहा कि सॉकेट जो पुराना जो यूनिक्स में चला आ रहा था उसी का एक्सटेंशन समझ लीजिए। फाइल डिस्क्रिप्टर, अगर नेटवर्क कम्युनिकेशन करना है, नेटवर्क में बातचीत करनी है तो एक फाइल डिस्क्रिप्टर है, और ये फाइल डिस्क्रिप्टर कुछ है नहीं, ये बेसिकली एक टेबल आप मान लीजिए जिसका इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर है इस फाइल का, इस इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या कंटेंट रहेगा, फैमिली बताई जाएगी कि आप इंटरनेट पे करना चाहते हैं, TCP/IP पे करना चाहते हैं, नेटवर्क पे करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं वो आप यहाँ देंगे, आप TCP/UDP करना चाहते हो यहाँ देंगे, आपको IP जो सोर्स डेस्टिनेशन का, और उसके बाद सोर्स डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर जैसे मैंने आपको यहाँ बताया। तो जो ये एक तरीके से सिस्टम कॉल करने का या रीड और राइट करने का, सिस्टम से डायरेक्ट बात करने का एक तरीका है, एक्सटेंडेड सिस्टम है। सॉकेट के कुछ प्रोसीजर होते हैं, जब अगर वाकई में आप सॉकेट प्रोग्रामिंग करना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप चाहे यूनिक्स में करना चाहें चाहे विंडोज में करना चाहें वहां पर कुछ प्रोसीजर्स हैं, फंक्शंस हैं। सॉकेट क्या करता है कि ये एक नया कम्युनिकेशन एंड पॉइंट खोल देगा। बाइंड क्या करेगा, ये एक जो सॉकेट है लोकल सॉकेट के साथ एक लोकल एड्रेस अटैच कर देगा। लिसन का मतलब ये है, खासतौर पर सर्वर करता है इसको, कि ये अब तैयार है, सुनता रहता है कि भाई कोई कनेक्शन तो नहीं आ रहा है, तो ये विलिंगनेस जताता है कि कनेक्शन के लिए एक्सेप्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ। एक्सेप्ट का मतलब ये है कि अब एक्सेप्ट कर लिया तो बाकी जो आ रहे हैं उनको ब्लॉक कर देगा, क्योंकि अभी वो किसी और को एक्सेप्ट कर रहा है। कनेक्ट का मतलब यह है, एक्सेप्ट कर चुका है। कनेक्ट का मतलब ये है कि एक अटेम्प्ट है कनेक्शन स्थापित करने के लिए। सेंड का मतलब सेंड करना है डेटा को, रिसीव का मतलब रिसीव करना है डेटा को, और फाइनली रिलीज कर देना है आपके कनेक्शन को, क्योंकि कनेक्शन स्थापित हुआ है तो उसको रिलीज भी करना होगा। तो सॉकेट क्या हुआ, सॉकेट एक इंटरफेस है किसके बीच में, एक एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में। एप्लीकेशन प्रोसेस, यहां पर जो सर्विसेज हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस है जो आप काम करते हैं, एक्चुअल सिस्टम पे सामने आपके साथ जो काम हो रहा होता है वो रिसीव कर सकता है, सेंड कर सकता है मैसेज को कहां, मतलब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस दूसरे एप्लीकेशन प्रोसेस को डेटा रिसीव कर सकता है, भेज सकता है, और लोकल हो चाहे रिमोट हो, एक देश में हो, एक लैंड में हो, या कोई दूसरे देश में हो, दूसरे नेटवर्क में हो, सॉकेट के थ्रू। यूनिक्स के तौर पे कहा जाए तो सॉकेट केवल एक फाइल डिस्क्रिप्टर है, यानी आप सीधा अगर प्रोग्रामिंग वाले हैं तो आप समझ जाएंगे कि फाइल डिस्क्रिप्टर क्या होता है। तो फाइल डिस्क्रिप्टर वाली बात हो गई है, और ये एक इंटीजर है, एक इंटीजर एसोसिएट होता है जब हम फाइल ओपन करते हैं, तो ये फाइल डिस्क्रिप्टर ही है। क्या क्या टाइप के सॉकेट हो सकते हैं, इंटरनेट सॉकेट हो सकते हैं, यूनिक्स सॉकेट हो सकते हैं, X.25 सॉकेट्स हैं, और जो इंटरनेट सॉकेट्स हैं जो हम जिसकी बात मेनली कर रहे हैं वो क्या होता है, उसमें IP होता है और उसमें पोर्ट नंबर होता है, और IP जो होता है वो 4 byte का है, IPv4 की बात कर रहा हूं मैं, और पोर्ट नंबर होता है 2 byte का। तो ये हुआ आपका सॉकेट्स। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।